तो वकील का नोटिस बुझाता। वकील के नोटिस पढ़ा? आई बाप, तो केडिया तलाक के धमकी देले बा। तलाक का धमकी? ओकर इतना हिम्मत, हम केडिया के जिंदगी से डाइवोर्स दिला दे। सुमिया, केडिया पगला गेल बका, फोन लगाओ। क्या हुआ? रिंग जा रहा है, उठाइए नहीं रहा है। देखा देखा ओकर बदमाशी। चुप रहा, सब तारे कैल धैल हा। अरे हमका कैल है? हमका कैनी हा? अरे बेटी के घर उजाड़े पे लागल बारू, हमका कैनी? घर के दामाद हा, अच्छा से बातचीत करे के चाही। दिन रात गरियावत रहलू, दिन रात गरियावत रहे। तो गरिया ही ना, जब देखा तो बेटी के परेशान करत रहता। अरे बेटी के गला टिपत है। काहे माथा ना फाड़ देलस का? काहे ना मारी, अतना दिन हो गेल ब्याह कैला, यहाँ का करते रह के? ससुराल में जाके ना रह के चाही? ना भेजब, रावण के घर में ना भेजब हम अपनी बेटी के। ना जाई तो अपना लगही राखा दादा, लगही राखा। हाँ रखब, रखबे करब, राव और परमिशन के कोनो जरूरत नहीं के। हाँ ये औरत से तो हम आज ही जागिल बनी, इतना अच्छा घर देख के बेटी के ब्याह कैनी, इतना अच्छा लड़का, ये अपना जिद में पूरा गु गोबर कर दी। भगवान जानो का घर में महाभारत छिड़ल। सीजादी हम देखी का केडिया के देखा, लेकिन कोनो गड़बड़ मत करी। खाली इतना कहिया कि हम बुलावनी है, ओकरा ठीक से लेके आवा। आ कोनो गड़बड़ कइलो तो दोसरो के पीटे में तारा बहिनों के प्राण ले ले। अब जा। ठीक है जाते हैं। ये क्या कर रही है? तुमसे नहीं होगा ये सब। होगा ना श्रीकांत, आई एम ट्राइंग ना। छोड़ दो, माफ करने दे। श्रीकांत करे देना ना। करा करा दुलीन करा, इतना बस। हाँ ठीक, छोड़ 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 छोड़। छोटा सीखे के चाहिए ना। अरे वाह, ये केकरा ला गजरा के हलवा बनता भाई। श्रीकांत तू तो गजरा के हलवा ना कर, तोरा खातिर तो हम बादाम के हलवा बनावता नहीं। विजय ला बनता, ओकरा गजरा के हलवा बहुत पसंद बा। अरे वाह, 70 चूहा खा के बिलाई चलल घंटी डोलावे, बड़ा दुलार होता लड़का के। ठीक है बा, दुलार करिए के चाही। अब अपन हक जतावे आयल बा, तो ओकरा पोटे खातिर गजरा के हलवा तो खियावे के पड़ी। रउआ के तो हरेक बात में खोटे नजर आवे ना। हमरा के का पढ़ाई बो तू? तोहार तिरिया चरित्र हम खूब बोझ ले, कई कई बन के लड़का के बनवास भिजवा ले। आज जब बनवास काट के घरे आयल बा, तो ओकरा सामने कौशल्या बने के चाहता रू। हम कौशल्या बनी ना बनी, रउआ तो मंथरा ना बनी। रउआ ये चाहता नू ना कि घर के शांति कैसे खत्म हो जाए। आग लगे तोरा मुँह में, ये घर के खातिर हम का करने के लिए अपन जिंदगी तक दे देनी, सुहाग तक लुटा देनी, और तू हमरा ऊपर ऐसा कलंक लगाता रू। सुना तारा ना अपन मातारी के, हम ई घर के शांति खत्म करे के चाही। हां हमरा के दोष ना दी, रउआ जब देखो तब गरले मुर्दा उखाड़ रहेला। अरे हमरा का पड़ल बा गरल मुर्दा उखाड़े के? हम तो जे साच बात है सके नहीं। श्रीकांत बारन सीधा, और एक तरह सीधा पन के कोई फायदा उठाई हमरा से देखल ना जाई। हम तो इनकर चिंता हुई। जाए दे हमरा के का, तू मातारी बारू, अपन लड़का के भला बुरा तू समझा। हाँ हम कहीं घर के शांति खत्म करे चाहे, चाहे दे हमरा का। हाँ। माँ, बुआ जी जो कह रही हैं गलत भी तो नहीं कह रही हैं। जो आदमी अपने बाप के क्रियाक्रम में भाग लेने नहीं आया, वो यहाँ क्या कर रहा है? आग ना लगा दे बकरा मुंह में। अगर माई तो चाहते रही कि अपन बेटा के दूसरे ब्याह करती। देख अपनू कौन उनकर घर में बेटी थी, वो बेटिया वालों के झाड़ू से मारब। भाई हमरा के आज ही भेज दे। हुआ कोनो जरूरत नहीं के वहाँ जाए के, जितना उनकर गोर पड़बू उतना उनकर मन बड़ी। हम पुतनवा के भेजे तानी उठा के ले आए घर तक। कोनो जरूरत नहीं के मामा के भेजे के, वो पगलेट हवा कुछ कर करा दी तो हमारी जिंदगी तो खराब हो जाए। हाँ तो मरा हमरा के का बा, मरा यहाँ। Thank you.
गया ना? आपका दिमाग ठंडा है कि नहीं? हमको डराने के लिए नोटिस भेजे हैं। अच्छा तो कान खोल के सुन लो, हम पीछे हटने वाला नहीं है, दूसरा ब्याह करके दिखाएंगे हम। तो कीजिए ना, देखते हैं कौन लड़की ब्याह करती है आपसे। भरम में मत रहना, लड़की कौनों कमी नहीं है हमको। तो आते हैं ना कल, हम झोटा पकड़ के उस लड़की का उहे पटक देंगे। अरे हम भी देखते हैं, बहुत दिमाग गरम हो गया ना तुम्हारा, तुम्हारी मतारी का, इस बार ठंडा करके दिखाते तुम लोग को। मैं पूछती हूँ, तुम्हें इन सब विवादों में पड़ने की क्या जरूरत है? क्यों, मैं इस घर का सदस्य नहीं हूँ, ये घर मेरा नहीं है। श्री मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारा घर नहीं है, लेकिन तुम इस घर के बारे में क्या जानते हो? बचपन से लेकर आज तक तो तुम बाहर रहे हो। आज इसी बात का तो अफसोस है, इतने साल घर परिवार से दूर रहने के बाद आज मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैंने क्या खोया है और क्या पाया। श्री माँ ने जो भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया, वो नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ रहकर अनपढ़ और गवार बनो। तुम्हें इस घर से और शहर से दूर बोर्डिंग स्कूल में इसलिए भेजा ताकि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनो। श्री तुम कहना क्या चाहती हो, इस घर इस परिवार में रहकर कोई पढ़ाई नहीं कर सकता? श्री डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन इस घर का माहौल पढ़ने लिखने वाला नहीं था। अरे इस घर में रहकर तो कोई आदमी तक नहीं बन सकता। एक मिनट, तुम जानती क्या हो मेरे परिवार के बारे में? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा परिवार क्या है। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। मेरे बाबूजी कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए किया था और एमएलएलबी की पढ़ाई बीएचयू से की थी। तुम मुझे क्यों सुना रहे हो सब कुछ? क्योंकि अगर तुम ये समझ रही हो कि मेरा परिवार अनपढ़ गवारों का है तो तुम ये भूल कर रही हो। नहीं श्री, भूल तो मैंने की थी जो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ी और तुमसे शादी की। सपने में भी नहीं सोचा था वो सब कुछ यहाँ देखने मिल रहा है मुझे। तुम जानते हो इन चार महीनों में मुझ पर क्या गुजरी, इसका अंदाजा है तुम्हें? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। क्यों, क्यों मेरे साथ, क्यों सहूं मैं? श्री एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। श्री बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं सह सकती। बस अगले महीने हम लोग मुंबई लौट रहे हैं, हमेशा के लिए, अपनी दुनिया में, तुम्हारे इस बाप दादा की अंधी दुनिया से दूर। Do you get me? ठीक बाकी हम विजयकांत के अपन कोख से जन्म नेखे दे ली, बाकी हम उकरा के श्रीकांत से अलग कभू ना समझनी। बाकी हम श्रीकांतों के मातारी है, हमारे लड़का सीधा बा, वो का नुकसान हम ना देख सके। रवो ये कैसे समझनी कि हम श्रीकांत का नुकसान होके दे? बाकी इतना काहे जल्दी बालमारी की चाबी देवल विजय के, रुपया पैसा खेत खलियान सबके कागज पत्तर साहब के अलमारी में हो। धीरे धीरे विजय के सब समझे बूझे के पड़ी, आज ना कल तो ये कर ही के बा। हम चाहते हैं कि ये काम जितना जल्दी हो सके हो जाए। रवा का हतानी तो ठीक, बाकी हमर मन नहीं खे मानत। भाभी हमरा पे इतना तो भरोसा करे के पड़ी, हम ऐसा कुछ हो ना होके देव जैसे ये घर पे कौनो आ जाए। हमरा की गलत ना समझी, मातारी है हम, बेटा के खातिर मन कल्पत रहेला। रवा जे ठीक समझी करी। आप सभी लोग हमारे बाबूजी के पुराने सहयोगी रहे हैं, साथ मिलकर बिजनेस किया है, बीच में का कुछ हुआ आप लोग को सब पता ही है। अब हम फिर से काम धंधा सब शुरू करना चाहते हैं, विश्वास है कि आप सभी लोगों का सहयोग हमको पहले के जैसा ही मिलेगा। विजय बाबू, बिजनेस के लिए हमें भरोसेमंद आदमी चाहिए, अगर भरोसा बन जाए तो हमें काम करने में कोई तकलीफ नहीं है।
जो भरोसा आपको बाबूजी पर था, कुछ पैसा ही भरोसा हम पर भी कर सकते हैं आप लोग। अब जब आप कह रहे हैं तो हम लोग भी विचार करेंगे। एक बात और, हमको पता है कि बाबूजी के मरने के बाद बहुत से लोग बब्बन लाल के कैंप में चले गए हैं। अरे भाई, हमको उसका कोनो मलाल नहीं है, टेंशन मत लीजिए। देखिए विजय बाबू, ऐसा है कि दो पैसा कमाने के लिए आदमी को हाथ पैर तो मारना ही पड़ता है। सही है, पर अब जब हम वापस आ ही गए हैं तो वैसे हाथ पैर चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोग, है कि नहीं? बाकी रहा बब्बन लाल, तो उससे सुरक्षा का गारंटी हमारे ऊपर है, बाकी आप लोग देख लीजिए। वो तो ठीक है विजयकांत बाबू, लेकिन बब्बन लाल अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा, सरकार से लेकर प्रशासन तक सब उसके सपोर्ट में है। हवा का रुख बदलते देर नहीं लगता है धर्मेंद्र, बुद्धिमानी इसी में है कि पहले से उसको भांप लो। अच्छा तो हम चलते हैं, जो भी निर्णय है जल्दी कीजिएगा, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। बैठे बैठे नाश्ता पानी करके जाइए, नहीं लेंगे भाई साहब। यहाँ का चिंता फिक्र छोड़ो, वो सब विजय संभाल लेगा। जानते हैं, पर घर का छोटा बेटा होने के नाते हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। सही कह रहे हो, परिवार के हर आदमी का फर्ज बनता है कि परिवार की भलाई के लिए कुछ करे, और इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि हम यहीं रहेंगे। और नौकरी का क्या होगा? माँ से बात किए हो? दुल्हन से पूछे हो, रहेगी यहाँ? वो सब हम संभाल लेंगे। बाकी नौकरी छोड़ने का इतना जल्दी का है? हमारे हिसाब से कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। देखो, और तुम यहाँ रहकर करोगे क्या? क्यों, जो काम विजय कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। श्री, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो काम विजय कर सकता है वो काम तुम नहीं कर सकते। बाकी अगर विजय कुछ करता है तो उसको करने दो, तुम दोनों भाई हो, एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए तुमको। बात भरोसे का नहीं है, बात है अधिकार का। हमारे अनुसार बाबूजी की संपत्ति पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना उस विजय का। तुमसे ये किसने कह दिया कि तुम्हारा अधिकार नहीं है संपत्ति पर? तुम दोनों का अधिकार है, बाकी अभी संपत्ति बांटने का समय नहीं है, अभी समय है संपत्ति को संजो कर रखने का, उसको बढ़ाने का। श्री, देखो विजय बहुत मुश्किल से घर में वापस आया है, उसको सेटल होने का थोड़ा टाइम दो। तुम जानते हो, जब तुम जीवन और मौत के बीच झूल रहे थे, उसने अपना खून दिया है तुम्हारे लिए। दिल का उतना बुरा नहीं है जितना ऊपर से दिखता है, हमारी मानो, उसको थोड़ा टाइम दो, वो अपने को एक लायक भाई सिद्ध करेगा। सूतल पिया के जगा दे ओ रामा, कोयल तोरी बोलिया। क्या बात है, बड़ा मूड में लग रहे हैं बाबूलाल जी। बाकी ये फागुन का महीना में चैता कैसे गा रहे हैं? इसीलिए ना कहते हैं सतीश बाबू, तनी एसी चैम्बर से बाहर निकल के घुमा कीजिए। फागुन का महीना भले चल रहा है, बाकी राजनीति के गलियारे में गर्मी शुरू हो गया है। क्या कह रहे हैं? सुना है राधे मोहन फिर से एक्टिव हो गया है, विजयकांत और बाबा के दरबार में आजकल हाजिरी बजाने लगा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुनिए, बब्बन लाल आजकल इंडिपेंडेंट विधायक नागमणि के साथ रोज रात को दारू पी रहा है। उसकी भी चिंता ना करें आप, क्योंकि बब्बन लाल का ताला का चाबी हमारे पास है, जौन दिन वो कुछ किया उन दिन उसका खेला खत्म हो जाएगा। एक बात कहें, बब्बन लाल साला, उससे जितना उम्मीद किए थे उतना रिटर्न मिला नहीं। आप कहें तो विजयकांत के साथ फिर से रोटी बोटी करें। आग से खेलने का बड़ा शौक है आपको, ध्यान रखिए कहीं जल न जाइए।
सतीश बाबू दूध का डला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है और हम तो जर्जर के राख हो चुके हैं। आप चिंता मत कीजिए, सौदा हम बुरा नहीं करेंगे। अगर झुक कर सामने वालों को तोड़ा जा सके तो उसमें दिक्कत ही क्या है। कनो ऑफर आया का? ऑफर आया नहीं है, बाकी पहुंचने ही वाला है। उसके जाल में ना फंसिएगा, नहीं तो ना घर के रहिएगा ना घाट के रहिएगा। सतीश बाबू आप तो जानते ही, हम तो घाट घाट का पानी पी चुके हैं। विजयकांत के घाट का पानी पी के देखते।